हेलो एवरीवन आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एन सी आर माइंड तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास फोर इंग्लिश अरियंत वर्कबुक का यूनिट एट का चैप्टर टू द गिविंग ट्री तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए और अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो मैंने वर्कबुक का लिंक डिस्क्रिप्सन बॉक्स में डाल दिया है आपको वन से लेके कर फ़ाइव तक सारे वर्कबुक मिल जाएंगे आप एमज़ोन से जाके ईज़िली खरीद सकते हैं तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं द गिविंग ट्री टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन रीड द एक्स्ट्रिक्ट गिवेन बिलो एंड एंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नीचे जो लाइन दिया गया है उसे आपको पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर देना है द बॉय हैप्पीली प्लक् द एप्पल्स एंड कैरीड दैम अवे द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी बट द बॉय स्टेड अवे अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सेड वन डे द बॉय कैम बैक एंड द ट्री थ जॉय ठीक है अब क्वेश्चन देखिए क्या है कि वॉट डिड द बॉय डू तो प्लग द एप्पल्स बॉय क्या करता था तो प्लग द एप्पल्स एप्पल तोड़ता था वॉट हैपेंड वैन द बॉय कैम बैक जब बॉय वापस आया तो क्या हुआ द ट्री शुक विथ जॉय वो क्या हुआ खुशी से झूमने लगा फाइंड द वर्ड इन द एक्स्ट्रेक्ट विच मींस द अपोजिट ऑप सोरो अब यहाँ पर जो है ना सोरो का अपोजिट कौन सा होगा तो वो आपको लिखना है हैप्पी स्टेट जॉय या सेड तो जॉय होगा इसमें टिक लगा देंगे द मीनिंग ऑफ प्लग्ड इन द एक्सट्रैक्ट इज अब प्लग्ड का मीनिंग बताना है ठीक है तो क्या होगा पुल टेक आउट रिमूव या फिर टेक होल्ड एंड रिमूव ठीक है तो क्या होगा पुल इसमें टिक लगाएंगे द यंग मैन कर द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सेल्ड अवे इन अ बोट द ट्री वॉज लेफ्ट विथ अ स्टम्प एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द यंग मैन केम बैक अगेन नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन बर्ड द ट्री रिकोगनाइज हिम क्वेश्चन है कि वॉट डिट द यंग मैन डू तो यंग मैन ने क्या किया द यंग मैन कर द ट्रीज ट्रंक ट्री के ट्रंक को कट कर दिया वॉट हैपन टू द ट्री ट्री के साथ क्या हुआ द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विद अस्टम्प स्टम्प तो वो क्या हुआ सिर्फ उसका जो है ना स्टम्प ही बच गया ठीक है व्हाट हैपेन टू द यंग मैन यंग मैन के साथ क्या हुआ तो ही बिकम ओल्ड मैन तो वो क्या हो गया तो वो ओल्ड मैन हो गया ठीक है उसके बाद है आपका कि फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच इज़ आ सिनोनिम ऑफ स्टेम स्टेम का सिनोनिम बताना है तो ट्री ट्रांक स्टम या बोट तो ट्रांक होगा टिक लगा देंगे एंटोनिम ऑफ रिकोगनाइज रिकॉग्नाइज का एंटोनिम बता, बताना है क्या होगा रिकॉल रिमेम्बर फॉगेट या मिस फॉगेट टिक लगा देंगे शॉर्ट एंसर टाइप क्वेश्चन हाउ डिर द्वाय है प्ले द गिविंग ट्री तो देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो वो बॉय था तो वो द गिविंग ट्री में किस तरह से uh, मस्तिया करता था तो प्लब्ड द एप्पल एप्पल तोड़ के हाउ डिड द ट्री हेल्प द बॉय टू अर्न मनी अब ट्री किस तरह से हेल्प करता था बॉय का पैसे कमाने में ठीक है तो इसमें क्या होगा द ट्री गेव ऑल हिज एप्पल्स टू द बॉय तो गिव क्या करता था ट्री उसे एप्पल uh, दे देता था सारा तो उससे वो बेच के पैसे कमाता था वॉट थ्री थिंग्स डिड द ट्री गिव टू द लिटिल बॉय अब तीन चीज़ें ऐसा है बताना है आपको कि जो कि ट्री ने उस लड़के को दिया तो क्या क्या दिया एप्पल्स ब्रांचेस और ट्रंक हाउ एंड वाई डिड द बॉय बिल्ड हिज हाउस बिकॉज ही वॉज़ गेटिंग मैरिड एंड नीड अ हाउस फॉर हिज़ वाइफ ठीक है इसके बाद है वेयर वॉज द बॉय गोइंग हाउ डिड द ट्री हेल्प हिम तो लड़का कहाँ जा रहा था और ट्री ने किस तरह से उसका हेल्प किया तो बॉय वॉज गोइंग फॉर अ बिजनेस ट्रिप बॉय एक बिजनेस बिजनेस ट्रिप पे जा रहा था द ट्री गैप हिज ट्रंक टू बॉय टू यूज़ इट एज़ अ बोट उसने अपना ट्रंक दे दिया ठीक है और उससे कहा कि इसे तुम जो है बोर्ड के रूप में इसे यूज करो ठीक है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इट कैन बी सेड दैट द ऑथर ऑथर राइटली नेम्ड द ट्री एज द गिविंग ट्री विच गेव अवे एवरी थिंग इट हैड हाउ डिड द ट्री चेंज बाय द एंड ऑफ द स्टोरी एट द फर्स्ट द ट्री गेव हिज एप्पल्स देन हिज ब्रांचेस एंड एट लास्ट द ट्रंक वॉज गॉन वॉज लेफ्ट विद स्टैंप तो ट्री ने क्या किया सब चीज दे दिया अपना एप्पल फर्स्ट में एप्पल दिया उसके बाद ब्रांचेज उसके बाद जो है ट्रंक तो उसके बाद सिर्फ स्टैम्प ही बच गया ठीक है उसके बाद है आपका लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन मै इज द सब्जेक्ट इन कॉलम ए टू द प्रीडिकेट्स इन कॉलम बी टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस कॉलम ए है और कॉलम बी है अब इसे आपको लिख के एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है ठीक है जैसे कि ए का है आपका वन नंबर है द बॉय द बॉय का क्या होगा द बॉय का डी नंबर होगा ठीक है क्लीम्ड द ट्रंक एंड स्वंग फ्रॉम द ब्रांचेज ऑफ द ट्री डी नंबर होगा ठीक है उसके बाद है टू नंबर द ट्री द ट्री का ए नंबर ठीक है ए नंबर के साथ में मैचिंग करेंगे वॉज हैप्पी टू गिव इट्स सेड थ्री नंबर द यंग मैन इसका क्या होगा बी नंबर कर द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड लेफ्ट अवे इन अ बोट ठीक है उसके बाद है आपका फोर नंबर फोर नंबर में द ओल्ड मैन इसका सी नंबर होगा वॉन्टेड अ क्वाइट प्लेस टू सिट अ सिट एंड रेस्ट फाइव नंबर द ओल्ड स्टम्प स्टम्प का क्या होगा इसका ई e नंबर होगा ठीक है हेड लॉस्ट इट्स एप्पल ब्रांचेस एंड ट्रंक ठीक है तो इस तरह से आपको अच्छे से मैचिंग कर लेना है चूज द करेक्ट कंजक्शन फ्रॉम द ऑप्शन गिवेन एंड फील इन द ब्लैंक्स वंस देर वॉज अ ट्री एंड अब यहाँ पे तीन दिया गया है एंड बर्ट और अब इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा सही होगा वो आपको लिखना है वंस देर वॉज अ ट्री एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय द बॉय ग्रीव ऑल्डर एंड वेंट अवे द बॉय हैप्पीली प्लग द एप्पल्स एंड कैडियड दैम अवे द ट्री वॉज वेरी हैप्पी बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम द यंग मैन वॉज एन ओल्ड मैन नाउ बट द ट्री रिकॉगनाइज हिम ठीक है उसके बाद है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशंस करेक्ट प्रीपोजिशन के साथ आपको फिल करना है बट टाइम वेंट बाय एंड द बॉय ग्रीव ऑल्डर एंड वेंट अवे वन डे द बॉय कैम टू द ट्री द ट्री आस्क हिम टू क्लीम अप इट्स ड्रंक एंड अ स्विंग फ्रॉम Its branches. The boy was too big to climb and play. The tree asked him to pluck its apples and sell them in the market. The boy was going on a business trip. He cut off the trunk of the tree and the tree was left only with a stump. Okay? Look at the table given below and write the कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव्स गिवन बिलो विलो अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया गया है पॉजिटिव डिग्री अब इस यहाँ पर आपको कम्पेरेटिव डिग्री इसका लिखना है और सुपरलेटिव डिग्री लिखना है ठीक है जैसे कि स्मॉल है अब स्मॉल का कम्पेरेटिव डिग्री क्या होगा स्मॉलर और सुपरलेटिव डिग्री होगा स्मॉलेस्ट फनी का फनी फनीस्ट का मोर डिलीशियस और मोस्ट डिलीशियस ट्राइड का हो जाएगा मोर ट्राइड और मोस्ट ट्राइड हैप्पी का हैप्पियर और happiest ठीक है इस तरीके से आपको बना लेना है तो आपका वर्कबुक कम्प्लीट हो चुका है कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एन सी आर टी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि एन सी आर टी से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर थैंक्स टू तो वॉच माई वीडियो